सो हेलो एवरीवन, ये है पेटीएम शेयर के Q2 के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 20,136 मिलियन था, जो अब यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में 26,625 मिलियन यहाँ पर हो गया है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो 25,614 मिलियन इस शेयर का ईयरली बेसिस में एक्सपेंस था, जो क्वार्टरली बेसिस में 29,367 मिलियन यहाँ पर हो गया है। यानी इनकम के साथ साथ शेयर के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है 5,943 मिलियन था, ब्रैकेट में है, यानी लॉस में। अब जो है 2,994 मिलियन हो गया है, ब्रैकेट में है, यानी कि अभी भी लॉस में है। अब अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। तो 9 रुपये जो है ब्रैकेट में है यहाँ पे। तो इस शेयर का 9 रुपये यहाँ पर अर्निंग थी ईयरली बेसिस में, अब जो है 5 रुपये के राउंड हो गई है, ब्रैकेट में है, यानी अभी भी लॉस में है। ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ शेयर के जो है सिर्फ इनकम ही इंक्रीज़ हुई है, बाकी सब यहाँ पर डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। और इस मंथ तक का मैक्सिमम टारगेट जो है 1,000 रुपये के राउंड तो वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड करने के लिए जो ये शेयर है ये सही है इतना नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स और रिज़ल्ट दोनों ही यहाँ पर बेकार रहे हैं। तो अभी इस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं।